दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ से अपनी किस्मत को कैसे संवारें, अपने लक को कैसे एनहांस करें या फिर अपने भाग्य को कैसे सपोर्ट करें। दोस्तों जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है वो लोग अपने पिता का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करें। कोई भी कार्य करें अपने पिता का आशीर्वाद लेके करें। अपने पिता की इज्जत, मान सम्मान, सेवा, आदर, सत्कार हमेशा करते रहें, इसी में सफलता की कुंजी छुपी। दूसरा दोस्तों, रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें। तीसरा, गायत्री मंत्र का जाप करें। और चौथा, रविवार के रविवार दिन गाय को गुड़ और आटे का पेड़ा जरूर खिलाएं। दोस्तों जिनका भी जन्म किसी में महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है वो अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, अपनी माँ की भरपूर सेवा करें। और दोस्तों उनके चरण हमेशा स्पर्श करते रहें। अपने घर में पानी कभी भी बर्बाद मत करें, क्योंकि पानी की बर्बादी डिप्रेशन तक ला सकती है। और दोस्तों एक चांदी की रिंग हमेशा धारण करके रहें। दोस्तों जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है वो अपने गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहें। नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स करके नहाएं और केसर का तिलक जरूर लगाएं। दोस्तों जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है वो भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करें, रुद्राक्ष की माला धारण करके रहें। दोस्तों जिनका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ है वो हरे मूंग की दाल पक्षियों को जरूर डालें, किन्नरों को दान देते रहें। और दोस्तों 5 छोटी इलायची अपनी पॉकेट में हमेशा रखें। दोस्तों जिनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है वो गुलाब का परफ्यूम जरूर यूज़ करें। शुक्रवार को नहाने के पानी में चंदन तेल की कुछ बूंदें डालकर नहाएं। और दोस्तों जिनका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है वो स्ट्रीट डॉग की सेवा जरूर करें और सिल्वर स्ट्रैप की घड़ी पहन कर रखें। दोस्तों जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है वो शनिवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और लेबर की सेवा करें। दोस्तों जिनका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है वो अपने भाई और मित्रों की सेवा जरूर करें और चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।